Hi friends, a very good evening to all the Circle of Cricket fans. Welcome to a very special hangout. We have in the house Parvinder Awana. Parvinder, kya hal hai bhai? How are you? बढ़िया जी, आप कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया हूँ यार, थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ी सी नासाज है, बट अभी थोड़ा खुश हूँ बात करके. बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग फिर से हैंगआउट पे. बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से आए, तो थैंक यू परविंदर आने के लिए. हमारे फैंस जो हैं बहुत इंतजार किया उन्होंने इस आईपीएल में एक हैंगआउट के लिए कि हम शुरू करें और बातचीत करें. वो होते 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 फाइनली हो ही गया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे इस समय आईपीएल है. प्लेऑफ्स के लिए 4 टीमें आ चुकी हैं. बहुत ही क्लोज फिनिश रही है इस समय, वो 4 स्पॉट्स के लिए फाइट हुई है. सबसे पहले तो प्रविंदर थोड़ी सी बात आईपीएल की कर लेते हैं बिफोर कि मैं एक बहुत ही अनोखा अनाउंसमेंट करूं हमारे फैंस के लिए. थोड़ी सी आईपीएल की बात कर लेते हैं यार. ये कैसा आईपीएल का अब तक का कैसा सफर रहा है यार? इस बार काफी टफ क्रिकेट रही है क्योंकि 6 टीमें लास्ट तक ऐसा रहा है कि क्लियर नहीं रहा था कि 6 टीमें में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, और अब पिछले 2 दिन में वो क्वालिफाई हो गई है 4 टीमें. मजा आया मतलब, लेकिन देख के खूब. जी जी, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया इस बार. फैंटास्टिक. चलो अब मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि हमने अपना एक नया गेम, मोबाइल गेम लॉन्च किया है जो कि इस समय अवेलेबल है बोथ एंड्रॉइड पे iOS पे. इसका नाम है इंडियन पंगा लीग. सो फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जाएं अपने अपने प्ले स्टोर्स पे, iOS के ऐप स्टोर पे, और गेम डाउनलोड करें. इट्स वेरी एक्साइटिंग. यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ कूल फीचर्स विद इन द गेम. एंड प्लीज सेंड अस योर कमेंट्स एंड रिव्यूज. एंड जस्ट टू इंट्रोड्यूस, देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो प्लेड व्हिच इज रिगार्डिंग द गेम. गो हैव अ लुक. टीम प्लीज प्ले द वीडियो. टीम फॉर दैट. जैसा कि देखा आपने कि T20 फॉर्मेट में ये गेम बेस्ड है. वेरी एक्साइटिंग. जिस तरह परविंदर खुश नहीं होंगे वीडियो देख के, बिकॉज आईपीएल में T20 फॉर्मेट में तो मार पड़ ही रही होती है बॉलर्स को. यहाँ पे इस वीडियो में भी स्टार्टिंग से ही चौके छक्के ही लग रहे थे. हाँ परविंदर, बिल्कुल बाजी. एक तो इतनी गर्मी है. हाँ जी, अप्रैल मई में टूर्नामेंट होता है आईपीएल का, और बिल्कुल फ्लैट विकेटें होती हैं और बाउंड्री भी थोड़ा बहुत छोटी हो जाती है, तो बॉलर के लिए कुछ नहीं है. और एक और नियम आ गया है जो नो बॉल हो जाती है. बाउंसर अगर नो बॉल दे दी जाए तो वो भी फ्री हिट है. कोई भी नो बॉल हो वो फ्री हिट है, तो बॉलर के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है. पर फिर भी बॉलर को सीखने के लिए काफी कुछ है. तो अगर लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप बड़े खुश हो गए
कि इस बार जो आई थिंक पर्पल कैप है शायद वो बॉलर्स की के लिए राइट, उनके लिए जो रेस में जो इस समय जो लोग हैं जो बॉलर्स हैं वो ज्यादातर फास्ट बॉलर्स हैं। आई थिंक एक ही स्पिनर है जो कंटेंशन में है, बाकी सारे फास्ट बॉलर्स हैं, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा लगा होगा आपको देख के। बिल्कुल बिल्कुल, सुनील नारायण इतने मैच नहीं खेला है इस बार, और युजवेंद्र चहल टॉप पे है, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है और मैकलेगन है, वाटसन है, काफी बॉलर हैं, मुस्तफिजुर रहमान हैं, काफी फास्ट बॉलर हैं जो लाइन में हैं, आप सही कह रहे हैं। जी जी चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ बहुत सारे बडीज हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उन सब सबको एक एक करके मैं एक बार हाय बोल देता हूँ, उसके बाद हम अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। हमारे साथ केशव हैं, केशव हाय। हाय पंकज। ऑलराइट थैंक्स केशव। मोहना, मोहना हेलो, आर यू देयर विद अस? हाय सर। ओके वेरी गुड। हाय नीलम। हाय हाय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग यार टू यू। सुमित। हाय सर। हाय वरुण। हाय। ओके विक्रम। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एंड देन वी हैव अंकुश विद अस एज वेल। हाय अंकुश। हाय। गुड, नाउ दैट वी हैव सेड हाय टू एवरीबॉडी, हम अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। ऑब्वियसली गेम के बारे में, हम इस मोबाइल गेम के बारे में, इंडियन पंगा लीग के बारे में हम और बातें करेंगे शो के अंदर, बट अभी शुरू करते हैं। अब हमारे फैंस हमारे से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी आईपीएल के बारे में भी बातें हो जाएं, लेकिन उससे पहले मैं परविंदर से पूछना चाहूंगा, भाई आप कहाँ हो इतने दिन, क्या कर रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो डोमेस्टिक सीजन के लिए? भाई इतने दिनों बाद मिलने का मौका मिला यार, परविंदर कुछ बताओ। बिल्कुल, आईपीएल तो मैं खेला नहीं हूँ, तो जो दो महीने थे उसमें मैंने हार्ड ट्रेनिंग किया है, अपने आपको बॉडी को स्ट्रेंथ दिया है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग किया है, बॉलिंग डाली है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आने वाला कमिंग जो सीजन है रणजी ट्रॉफी का, उसके लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अब हम चलते हैं एक बार अपने अपने फैंस से शुरू करते हैं, सुमित से शुरू करते हैं। सुमित बहुत टाइम बाद हमारे साथ जुड़े हैं आज क्रिकेट हैंग आउट पे, तो सुमित क्या सवाल है आपका परिंदर के लिए, प्लीज गो अहेड। हाय वाना। हाँ तो मेरा सवाल होगा आईपीएल की सबसे पिछली टीम के लिए जो कि केक्स आईपीएल है, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या मतलब गलत हो गया उनके साथ आईपीएल में, या आईपीएल में क्या क्या बुरा हुआ और क्यों इतना गंदा परफॉर्मेंस रहा उनका? कुछ नहीं, बस जो कॉम्बिनेशन था टीम का वो इस बार ठीक नहीं रहा है, तो टीम नहीं थी, जो पुरानी टीम थी जो 2014 में या 2014 में हम फाइनल खेले हैं और 2014 में हम चैंपियंस लीग खेले हैं, उसमें जो टीम थी वो टीम नहीं है, और नए लड़के हैं तो एक टीम बनने के लिए काफी टाइम बनता है लगता है टीम बनने में, तो मुझे लगता है कि एक तो पहले मिलर कप्तान बना था, फिर उसके बाद विजय कप्तान बना है, कहीं ना कहीं हम क्लिक नहीं कर पाए, और जहां हमें अपने आप को आगे लाना था वो चीज हम नहीं कर पाए, वो तो बॉलिंग हो या बैटिंग हो दोनों डिपार्टमेंट में मोहित शर्मा ने अच्छी बॉल डाली है, और संदीप शर्मा ने जैसे वो लास्ट सीजन भी अच्छी बॉल डाल रहा था, इस साल भी उसने काफी अच्छी बॉल डाली है, बस हमारी मैक्सवेल कह लो, मैक्सवेल ने रन नहीं बना पाया, डेविड मिलर रन नहीं बना पाया, जो जिस टीम जिसने हमारी टीम थी उन्होंने ही रन नहीं बनाए तो फिर टीम मुरली विजय ने अक्षर पटेल से बॉलिंग करवाई थी, क्या लगता है आपको सही डिसीजन था? नहीं, एक टीम स्ट्रेटजी होती है कि अक्षर पटेल ने पहले भी मैच जिताए हैं, अच्छी बॉल डालता है, तो उन्हें लगा कि वो अच्छी बॉल डाल सकता है, जो टीम मीटिंग में बात हुई होगी उनको लगा कि वो बॉल डाल अच्छे डाल सकता है, इसलिए उसको दिया होगा। जी और तो भाई ने काफी अच्छा खेला, कैलकुलेट करके रन बनाए उन्होंने। थैंक यू सुमित फॉर दैट क्वेश्चन। सुमित ने इस मैच की शुरुआत में ही परविंदर के ऊपर गूगली बाउंसर सब डालने शुरू कर दिए हैं, कॉन्वर्सेशन की शुरुआत से ही मुश्किल सवाल पेश कर दिए, बट परविंदर क्या ये कहना ठीक होगा कि इस साल, मैं सुमित के ही सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या ये कहना ठीक होगा कि
इस साल किंग्स इलेवन पंजाब में थोड़ी बहुत इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हुई हैं, बट एज अ टीम मतलब वो क्लिक नहीं हुआ, मतलब जो आप कह रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने मॉल बनाया था 2014 में या 2015 के चैंपियंस लीग में, हम सेमीफाइनल और फाइनल खेले हैं, उस हिसाब से जैसे टीम का नाम लिया जाता है, किंग्स इलेवन के प्लेयर हैं और ये पूरे 22-23 प्लेयर जितने भी हैं काफी अच्छे प्लेयर हैं, जिसको भी खिला लो वो फिट बैठते हैं इलेवन में. तो ऐसा ही हुआ था उस साल, हम सब मिलजुल के खेले थे तो काफी संतुलित टीम थी, क्योंकि सब परफॉर्मेंस कर रहे थे और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे थे, और जो भी प्लेयर बाहर के थे वो अपने देश के लिए परफॉर्म कर रहे थे. तो कॉम्बिनेशन होता है, हर किसी के एफर्ट से टीम जीतती है, किसी एक के एफर्ट से टीम नहीं जीतती. आप 11 परफॉर्म करोगे तभी टीम की परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, मेरा मानना ये है. जी बिल्कुल, आई थिंक वो इस बार सिर्फ उसकी कमी थी, होपफुली अगला सीजन बेहतर होगा. ओके, सो सुमित से हमने पूछ लिया है, अब चलते हैं मोहना के पास. मोहना, आर यू देयर विद अस? चलो जब तक मोहना वापस आती है हम चलते हैं अंकुश के पास. अंकुश, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हेलो परविंदर जी, मेरा क्वेश्चन ये थी कि आखिर रणजी टीम में विराट कोहली सीजन माइंड ब्लास्टिंग फॉर्म में चल रहे हैं, 900 रन्स, 1050 व्हाट नॉट, तो अब वो क्या कहते हैं कि बैटिंग के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है कि क्या उन्होंने अनलॉक कर लिया जो बाकी बैट्समैन को नहीं पता? नहीं, बचपन से ही विराट बड़ा मेहनती है और डोमेस्टिक में जब हम साथ में खेल रहे होते हैं तो बस वो जीतने के लिए खेलता, ग्राउंड में जब उतरता है वो बस जीतना है, बस उसमें है ना जज्बा है, भूख है, एक रन बनाने की भूख है, या फील्डिंग कर रहा है तो फील्डिंग में आपको एक रन आउट करके देगा तो मैच काफी बदलता है रन आउट से, अगर बीच में पार्टनरशिप हो रही होती है. और यही है, जैसे हम साथ के हैं तो हमको भी यही बोलता है कि भाई लड़के खेलो इस तरह से, तो वही चीज है कि अब इंडिया के लिए इतने सारे रन बना रहे थे, आईपीएल में रन बनाते थे कभी, पर इतने रन नहीं बनाते थे. मुझे लगता है कि सारी कसर इस साल उन्होंने पूरे पिछले आईपीएल की पूरी कर दी है, लास्ट ईयर भी या जो पिछले 8 आईपीएल हुए उसमें भी रन बनाए पर इतने रन नहीं बनाए थे, और सबको उन्होंने कवर कर दिया है. इस साल तो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से तो लगातार रन बना रहे हैं. मुझे लगता है कि एक मैच में जल्दी आउट हो गए थे और हर मैच में 50 रन, यार मजा आ गया बैटिंग देख के. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अंकुश. केशव आल्सो इज अ बिग फैन ऑफ विराट बैटिंग, एक बार केशव के भी थॉट्स सुन लेते हैं हम विराट के बैटिंग के बारे में. केशव, आर यू देयर? केशव, हेलो. या सॉरी, आई वाज ऑन अ कॉल. भाई विराट की बैटिंग के बारे में बातचीत चल रही है, अंकुश ने ये सवाल पूछा था कि क्योंकि परविंदर के टीममेट थे वो डोमेस्टिक में विराट, तो ऑब्वियसली इवन परविंदर रवाना इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, लेकिन थोड़ा सरप्राइज है कि इकट्ठे ही एक ही सीजन में विराट पूरी कसर निकालने के मूड में है. मूड में क्या, निकाल ही दिया अब तो. व्हाट आर योर थॉट कि विराट की परफॉर्मेंस के बारे में? आई थिंक पंकज, इट्स द हंगर व्हिच इज शोइंग दिस सीजन. आई मीन ही हैज इट इन, ही हैड इट इन हिम फॉर एवरी सीजन, बट दिस टाइम इट्स समथिंग एल्स. आई मीन राइट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन सीरीज, जब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे थे जनवरी में, तभी से ही हम देख रहे हैं उनकी फॉर्म, और आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस मिला था जो उन्होंने अपने अंडर टेस्ट सीरीज जिताई थी साउथ अफ्रीका से इंडिया को 3-0, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस उन्हें एज अ कैप्टन मिला था, वो ही उन्होंने आरसीबी में भी एज अ कैप्टन दिखाने की कोशिश की है कि यू नो ही इज नाउ इवॉल्व्ड एज अ कैप्टन. एंड वो उस टाइप के प्लेयर हैं जो कि कैप्टेंसी के प्रेशर के अंडर आई थिंक और अच्छा खेलते हैं, तो ही थ्राइव्स अंडर दैट काइंड ऑफ प्रेशर. एंड मेरे को याद है कि 4 गेम पहले जब आरसीबी वाज ऑन द 6th स्पॉट, तो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि आई लव दिस सिचुएशन, ऑल वी हैव टू डू इज विन द नेक्स्ट 4 गेम्स एंड वी विल बी इन द प्लेऑफ्स. एंड आई थिंक उन्होंने अकेले अपने दम पे ही 4 गेम जिता के प्रूव भी किया है, तो आई थिंक हर जनरेशन का एक प्लेयर होता है, तो आई थिंक फॉर दिस जनरेशन वी हैव फाउंड दैट इन विराट कोहली. करेक्ट, वेरी ट्रू, थैंक यू केशव. आई थिंक बिल्कुल वही चीज बोली जो परविंदर ने भी बोली थी. परविंदर ने बताया था कि भूख, विराट को भूख ज्यादा लगती है, और इसी भूख का निजात करने के लिए इतने सारा रन बन रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, तो बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर दैट. मोहना, वी मिस्ड यू यार. हाय हाय परविंदर, हाउ आर यू? हेलो, हाय.
My question is, who do you think who will win tomorrow, RCB or Gujarat? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि दोनों टीमें अच्छी हैं और दोनों टीमों में गुजरात का देखा जाए तो गुजरात की बॉलिंग आरसीबी के मुकाबले काफी अच्छी बॉलिंग है. पीके काफी अच्छी बॉल डाल रहा है और ब्रावो है, ब्रावो वो हमेशा आईपीएल में अच्छा करते हुए आए हैं. मतलब मिश्रण अच्छा है गुजरात की टीम में. पर इधर देखा जाए तो आरसीबी में बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है. जो शुरू के एक ही आउट होता है या दो आउट होते हैं और वो 200-250 रन बना रहे हैं. तो मेरे हिसाब से टॉस बड़ा मैटर करेगा मैच में. अभी से नहीं बताया जा सकता कौन जीतेगा, खेलना पड़ेगा कल जो भी मैच होगा. एक बात बता, मुझसे नाराज है क्या भाई? मतलब मुझसे कोई नाराजगी है नहीं? अच्छा, मैंने कहा मोहना ने हाय बोला, बड़े प्यार से तुमने हाय बोला. मैंने स्टार्टिंग में तुझे इतने प्यार से वेलकम किया, मेरे को तो इतने प्यार से तुमने किया नहीं. हर एपिसोड में एक बार ये हरकत जरूर होती है, बट कोई बात नहीं, मजा भी आता है. ठीक है, थोड़ी बात करते हैं. मुझे मेरी टीम बता रही है परविंदर कि आपने भी गेम डाउनलोड किया है, इंडियन पंगा लीग. थोड़ा सा समय बताया, खेला है, कैसा लगा गेम आपको? काफी अच्छा लगा इंडियन पंगा लीग मैच. और पंगा के नाम से लगा लो, पंगा ही है वो एक तरीके से. और मेरा तो अभी इतना पहली बार मैंने देखा है अभी आके, तो काफी अच्छा लगा, एंजॉय किया. अभी हाथ सेट नहीं, अभी हाथ सेट नहीं हुआ है. हाँ जी, हाँ जी, लास्ट टाइम भी बड़ा एंजॉय किया था जी. बिल्कुल. सो मैं एक बार फिर अपने फैंस को बोलना चाहूंगा, गाइस इंडियन पंगा लीग प्लीज डाउनलोड करो. एक्साइटिंग गेम है, नया गेम है, मार्केट में अभी अभी आया है. सो और प्लीज हमें अपनी फीडबैक और कमेंट्स दें. अगर अच्छा लग रहा है तो बताएं क्यों अच्छा लग रहा है. कुछ चीजें मिसिंग है तो बताएं कि क्या मिसिंग है, हम कोशिश करेंगे उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए. सो डोंट फॉरगेट, इंडियन पंगा लीग अवेलेबल है दोनों एंड्रॉइड पे भी और iOS ऐप स्टोर पे भी. सो प्लीज गो एंड डाउनलोड. थैंक यू. नाउ मूविंग ऑन, लेट्स अपनी कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखते हैं. निलब वेट कर रहा है, बड़ा ही सीरियस सी मुद्रा बना के बैठा हुआ है. निलब, हेलो. हेलो हाय सर. या निलब, गो ऑन प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन. क्या सवाल है आपका? हाय परविंदर. हेलो. हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो टॉप चार टीम्स जो पहुंची हैं प्लेऑफ में, उनके बारे में आप क्या कहना, मतलब उन्होंने ऐसा क्या अलग किया मतलब बाकी चार टीमों से जो आज प्लेऑफ सुना ही नहीं दिया मुझे. मैं कहा आपका टॉप चार टीम्स के बारे में क्या कहना है, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया कि वो प्लेऑफ्स में और बाकी चार टीम नहीं है? हैदराबाद की जो टीम है वो भी संतुलित टीम है और पुरानी टीम है, उसमें यूसुफ आ गए हैं तो टीम की जान बड़ी है. और आशीष भाई भी आए थे तो काफी फायदा दिया उन्होंने टीम के लिए. और भुवनेश्वर बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, मुस्तफी और रहमान काफी अच्छी बॉल डाल रहे हैं और जैसा कि वार्नर ने भी काफी रन बनाए हैं. मतलब काफी अच्छी टीम है. बीच में भी है नमनोजा है जो स्पिनरों को अच्छा खेलते हैं. इसी तरह से केकेआर भी काफी सालों से अच्छा करती आ रही है पिछले 4-5 सालों से. उसमें भी एक संतुलित बना हुआ है टीम, संतुलन बनना बहुत जरूरी है. जैसे कि केकेआर भी अच्छी टीम है, इस बार हैदराबाद भी उसी तरह की टीम है. जो नई टीम आई है गुजरात में भी अच्छी कॉम्बिनेशन है. और आरसीबी इस साल बैटिंग की बदौलत काफी ऊपर तक आई है. लास्ट में अब युजवेंद्र चहल ने काफी अच्छी बॉल डाली है, वॉटसन ने विकेट लिए हैं, तो चारों टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है. इसी वजह से वो टीमें आई है. दोनों डिपार्टमेंट, बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट टीम ने, चारों टीमों ने अच्छा किया, इसलिए वो चारों टीमें. तो आप बोल रहे हो बेसिकली कि बैलेंस अच्छा होना चाहिए टीम में, हर डिपार्टमेंट में, तब जाके परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा होता है, करेक्ट? बिल्कुल पंकज भाई, बिगर कॉम्बिनेशन के तो कुछ भी नहीं है. कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है जैसा कि इन चारों टीमों में है. बिल्कुल बिल्कुल दिखाया है. विक्रम हमारे साथ है, शायद विक्रम रॉय. विक्रम, योर क्वेश्चन प्लीज. भाई, आपको क्या लगता है इनमें से जो टॉप टू टीम कौन सी होगी और ट्रॉफी का किसका ज्यादा चांस है जीतने का इस ईयर आईपीएल? अभी बताना मुश्किल है क्योंकि चारों टीमें अच्छा कर रही हैं. अब विकेट क्या है, कहां पर मैच हो रहा है, कोटला का कुछ नहीं बता सकते. कोटला विकेट टॉस के ऊपर ज्यादा निर्भर रहेगा क्योंकि इतना स्कोर जाता नहीं हमारे यहाँ पर, थोड़ा लो रहता है विकेट, तो अभी बताया नहीं जा सकता. देखते हैं क्या होता है, आप भी देखिए, एंजॉय करिए. मैं प्रवीण, मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूँ.
ये ओपिनियन की बात कर रहा था, मैं चॉइस की बात कर रहा हूँ कि अगर परविंदर किस टीम को सपोर्ट कर रहा है कि इन चारों में से कौन जीते, अब तो खैर किंग्स नहीं है तो ये चार टीमें हैं, सब अच्छे खिलाड़ी हैं, किसको सपोर्ट कर रहा है परविंदर और आप? मुझे लगता है कि केकेआर जीत सकती है क्योंकि वो पुरानी टीम है और कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है और टीमें ने अभी प्लेयर आए हैं, हैदराबाद भी है और ऐसे तो आरसीबी भी काफी अच्छा खेल रही है, पर मुझे लगता है केकेआर के चांसेस ज्यादा हैं जीतने के। ओके ओके, परविंदर का पिक है केकेआर और विक्रम आपका पिक कौन सा है? सर माइन विल बी केकेआर, शाहरुख खान। Well, for all the wrong reasons, but okay, I'll take it. Keshav, you seem to be smiling, buddy. What's your pick? Who do you think is going to win? Or give me the two finalists. Do finalists or jeetega kaun? Bata do. I think it will be SRH versus RCB, and RCB should lift the trophy because since you know I'm a die-hard Dhoni fan, ab unki team to bahar ho bhi hai. तो अपने कैप्टन के बाद वाइस कैप्टन को सपोर्ट करेंगे तो आई एम ऑल फॉर बोलिंग। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बिकॉज एसआरएच को इस समय फाइनल तक बहुत कम लोग पिक कर रहे हैं बिकॉज वो मोमेंटम नहीं है इस समय उनके साथ, शायद वाना भाई बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो गुजरात लायंस और आरसीबी में जो मोमेंटम है वो जीतते हुए पहुंचे हैं, केकेआर ने भी फाइट करते करते पहुंचे हैं, लेकिन एसआरएच एक टीम है जो बहुत जल्दी जिन्होंने अच्छा अपना परफॉर्म किया लेकिन उसके बाद वो क्वालिफाई तो कर गए लेकिन मोमेंटम उनके साथ नहीं है शायद। मुझे लगता है एंडर रसल का बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो इंजर्ड है और उनके जगह होल्डर खेल रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छे बैट्समैन भी के साथ साथ बॉलिंग भी आपको चार ओवर और कुछ विकेट लेके देता था और अगर जरूरत पड़े तो रन भी बहुत तेजी से बनाता था। मुझे लगता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा उस चीज़ का। नहीं, रसल का तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और एसआरएच के बारे में क्या कहेंगे परिंदर, क्योंकि वो काफी अभी पहले जीत रहे थे लेकिन अभी ये थोड़े हार गए हैं, मोमेंटम शायद नहीं है उनके साथ हैदराबाद की टीम के साथ। काफी स्कोर बन गया था मैच में तो लगता है फर्क पड़ जाता है उससे, इतना स्कोर नहीं बन पाएगा क्योंकि रायपुर में शायद खेले थे वो लास्ट मैच, तो वही है कि अब जैसा कि उन्होंने प्लेयरों ने पुराने उनके जो प्लेयर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था कि उससे कुछ नहीं होता, अभी प्लेऑफ में मैच है तो वहाँ देखते हैं क्या होता है क्योंकि हर दिन नया दिन होता है और बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही बोले आप बिल्कुल कि हर दिन एक नया दिन होता है। बहुत अच्छी है, यूवी पाने के बाद टीम में संतुलन बनाया, जडेजी भी फॉर्म में आ गए हैं, शिखर धवन वार्नर रन बना रहे हैं, मनोज ओझा ने रन बनाया है। जी बिल्कुल सही बोल रहे परविंदर, वो हिंदी में बोलते हैं ना कि हल्के में नहीं लिया जा सकता इनको भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हल्के में लेते हैं जिनके ऊपर फोकस नहीं होता तो वो दिक्कत करती है टीम में, अगर आप प्लानिंग के साथ जाओ तो आप ठीक रहोगे नहीं तो दिक्कत करेंगे। बिल्कुल अंकुश, पंकज, मैंने हैदराबाद को इसलिए पिक किया था क्योंकि अगर आप उनके लास्ट के दो मैच देखो, स्पेशली वो दिल्ली वाला मैच जो लास्ट बॉल पे हारे थे वो लोग, आई थिंक कहीं ना कहीं उस हार का रीजन वार्नर खुद थे, उन्होंने एक इजी कैच भी छोड़ा था करुण नायर का और लास्ट में जो सिंगल दौड़े थे दिल्ली, तो वो उनसे मिसफील भी हुआ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही विल ट्राई टू कवर इट अप बाय यू नो प्लेइंग अनदर मैच विनिंग नॉक, तो कहीं ना कहीं कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उनकी टीम क्योंकि बहुत मैचों में हमने देखा है जब वार्नर नहीं चलते वो हारते हैं, तो आई थिंक टाइम आ गया कि पिछले कुछ मैचों से नहीं चल रहे वार्नर, तो मुझे लगता है वो जो दिल्ली वाली हार थी अब ऊपर से कोलकाता से भी हार गए तो पूरे जैसे कोहली अंडर प्रेशर अच्छा खेले हैं तो आई थिंक वार्नर भी अंडर प्रेशर परफॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल, तो एक चीज तो तय है परविंदर की मैचेस बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, चाहे कोई भी जीते वो तो खैर दिन की बात है, उस दिन पे फील्ड पे कौन उतरता है, किसका किसको भूख ज्यादा लगी है उस दिन, आई थिंक उस पर आ जाएगी बात। लेकिन एक्साइटिंग होने वाला है बिल्कुल बहुत है और हम सब लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलते हैं अंकुश के पास, आई थिंक अंकुश के पास आपके लिए और सवाल है। अंकुश, इस साल आईपीएल में काफी अच्छी पावर प्ले बॉलिंग भी हुई है, काफी अच्छी डेथ बॉलिंग भी हुई है, काफी टाइम किंग्स बड़े स्कोर की तरफ जा रही थी और बॉलर्स ने पुल बैक किया है, तो आपके हिसाब से सबसे इम्प्रेसिव बॉलिंग किस बॉलर की तरफ से रही है, कौन से ऐसे बॉलर थे जो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव थे? मुझे लगता है 10 मैचों में 18 विकेटें युजवेंद्र चहल की हुई हैं, बड़े काफिले तारे और बॉलरों की 14 मैचों में हैं 17 विकेटें, उसकी 10 मैचों में 18 विकेटें हैं
और जहां स्पिनरों की इस साल काफी दुनाई हो रही है वहां उसने बॉल अच्छी डाल के दी है, यही कारण है कि टीम प्लेऑफ में पहुंची है। बॉलर का बड़ा अहम रोल होता है और मुस्तफियो रहमान ने काफी, जैसा कि उसने अपने बांग्लादेश के लिए मैच खेल के अच्छी बॉल डाली थी, इसी तरह उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी अपनी स्लो ओवर और तेज ओवर से सबको प्रभावित किया है। उसके साथ भुवनेश्वर कुमार ने भी इस सीजन में काफी अच्छी बॉल डाली है, पिछले एक डेढ़ साल से अच्छी बॉल नहीं डाल रहे थे या इंजरी थी शायद उसको, अभी जब उन्होंने कमबैक किया लास्ट इंडिया के मैचेस खेले हैं या फिर आपने आईपीएल मैच खेले हैं तो काफी अच्छी बॉल की है। वापस बीच में उनकी स्विंग खत्म हो गई थी तो वापस उनकी स्विंग आई है और उन्होंने प्रभावित किया है अपनी बॉलिंग से। और ओवरऑल एज अ बॉलिंग यूनिट आपके हिसाब से किस टीम के पास सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट है? सॉरी दोबारा से बताइए, सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट कौन सी टीम के पास है आपके हिसाब से? मैं बता देता हूँ, अंकुश आप रहने दो। परविंदर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आ रही है। हाँ, अंकुश पूछ रहा है कि एज अ टीम सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट आपको कौन सी लगती है, किस टीम के पास आपके हिसाब से सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट है? मुझे गुजरात लायंस की बॉलिंग काफी अच्छी लगी इस बार और सेकंड नंबर पे एसआरएच। बिल्कुल ओके, दैट वाज अंकुश's क्वेश्चन। मोहना के पास चलते हैं। मोहना? हाँ जी सर। आपके पास शायद एक और सवाल है परविंदर के लिए। हाँ जी। और परविंदर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि स्माइल ना दें इस बार ताकि मैं जोक ना मारूं। हंसी दिया परविंदर, बोलो मोहना। हाँ जी परविंदर, आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप इंडिया टीम के? हम जानना चाहेंगे कि क्या बातें होती है वहाँ, कैसे आप लोग डील करते हैं। कुछ नहीं, जब मैं टेस्ट टीम में इंग्लैंड के खिलाफ चुना गया था चौथे मैच में तो मेरी और डिंडा की और रविंद्र जडेजा की स्पीच हुई थी, तो उसमें बस मैंने वही ईशान से बातें हो रही थी जो डोमेस्टिक में हो रही थी कि भाई मैंने ये करा, इन्होंने मेरे को ये बताया, इस तरह से मैं यहाँ करा, मेरे को इस यहाँ पर हेल्प मिली और मैंने डोमेस्टिक में विकटें ली और मैंने आईपीएल में विकटें ली, और फिर वही चीज़ मैं बता रहा था तो सचिन बाजी बैठे थे, वीरू भाई, गौतम भाई, विराट, तो सब हंसने लगे कि भाई इसने तो जीवनी पढ़ दी है, खड़े हो गए और जीवनी पढ़ दी है। तो मैंने कि बस यही बोला था मैंने, हर किसी का सपना होता है इंडिया के लिए खेलना और मेरा भी सपना है इंडिया के लिए खेलना, तो बस यही थी बातें। और जब हम ग्राउंड्स पे जाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसमें भी यही कहते हैं कि भाई डर अच्छा करना है, आप पिछले टीम में हो क्योंकि आप अच्छा करके आए हो और कुछ नहीं, आप नया नहीं करना और जो आप करते आए वही चीज करनी है, बस आपको जो सीनियर होते हैं वो कॉन्फिडेंस देते हैं। अच्छा, तो ये आपने हडल का सीक्रेट बताया कि जब हडल होती है तो ये बातें हो रही होती है। हाँ, युवा जब होते हैं या नए टीम में आते हैं तो बहुत प्रेशर होता है अपने ऊपर, तो वो नर्व सिस्टम को कंट्रोल करते हैं क्योंकि सीनियर वो कई सालों से खेल रहे हैं देश के लिए, तो बहुत फर्क पड़ता है अगर सीनियर आपके कंधे पे हाथ रखे तो हौसला मिलता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये हर बच्चा जो क्रिकेट खेलता है कंट्री में बचपन से सभी का ये सपना होता है कि शायद मैं भी सचिन पाजी के साथ, या अब तो खैर सचिन पाजी खेलते नहीं है बट वीरूपा, विराट, युवराज, सबके साथ करे, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बट अमेजिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी परविंदर। इस स्टोरी के अलावा एक स्टोरी जो इस समय बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे सारे फैंस, स्पेशली केशव जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, उनको पता होगा, अभी अभी लिस्ट आई है टीम की, टीम इंडिया के, उसमें काफी सारे प्लेयर्स का नाम है जिन्होंने आईपीएल तक नहीं खेला है, जैसे शार्दुल है शायद, फजल फैज है, इन लोगों ने आईपीएल भी नहीं खेला लेकिन इनको टीम इंडिया से कॉल आ गया है, सो शायद इस बार आईपीएल शायद क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का, या हमें तो खैर पता नहीं अंदर क्या होता है, बट इस ये थोड़ा अनोखा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि जिनको कभी देखा नहीं उनको टीम इंडिया में मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप रविंदर? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी नहीं था कि आईपीएल क्राइटेरिया था, आप डोमेस्टिक में अच्छा करते हो और आईपीएल में अच्छा करते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, पर जो डोमेस्टिक में आप 4-5 महीने जो बॉल डालते हो उसमें जो विकेट लेते हो, आप इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हो पिछले 2 साल से, मैं शार्दुल ठाकुर की बात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी बॉल डाली है उसने पिछले 2 साल, काफी विकेट लिए हैं डेज क्रिकेट में, उसको चांस नहीं मिला आईपीएल में,
पर मैं उसको तवज्जो नहीं देता, मैं देता हूँ कि उसने डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में जाके विकेट लिए हैं काफी, और उसका नाम आया, मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे कि युजविंदर चहल का भी शायद नाम आया है और फैज फजल का भी नाम है, फैज फजल का भी नाम आया, उन्होंने डोमेस्टिक में काफी रन बनाए फैज फजल ने, और पिछले कई सालों से वो रन बनाते आ रहा है। तो आप खुश हैं इस बात से कम डोमेस्टिक जो कि हमारा असली बच्चों का अंडर 19 या जो भी हमारे जो बच्चे खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जा रहा है, और सिर्फ आईपीएल जो कि एक शो है बहुत बड़ा, सिर्फ उसके ऊपर तवज्जो ज्यादा दी नहीं जा रही है, आप खुश हैं इस चीज से? बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक में आप पिछले मतलब सितंबर से आप लग जाते हो और मार्च अप्रैल तक मई तक आप क्रिकेट खेलते हो, पूरे 8-9 महीने आप क्रिकेट खेलते हो और आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो अगर आप क्राइटेरिया है आप इतनी ज्यादा विकेट या रन बनाते हो तो आपको टीम में अगर जगह बने इंडिया की टीम में तो आपको जरूर लेना चाहिए, ऐसे लड़कों का उनका हौसला बनता है, उनको देख के और लड़के मेहनत करेंगे और हमारा कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारा देश और आगे जाएगा, क्योंकि अच्छा टैलेंट निकलेगा एक दूसरे में कंपटीशन करेगा तो हम बिल्कुल टॉप पे रहेंगे हमेशा। बिल्कुल, आई थिंक ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि पूरी साल की जो मेहनत है जिसके लिए आप लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इनफैक्ट आप इस सीजन नहीं खेले आईपीएल लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अगले आने डोमेस्टिक सीजन के लिए, तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। केशव भी काफी फॉलो करता है डोमेस्टिक सीजन वगैरह, मैं केशव से पूछना चाहूंगा, केशव आर यू हैप्पी कि यंगस्टर्स है जो उनको आईपीएल में चांस भी नहीं मिला, लिया भी नहीं गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत, आप जैसे बिल्कुल सही बताया परविंद्र भाई ने कि शार्दुल ने बहुत विकेटें ली हैं, इनफैक्ट सिर्फ एक ही सीजन से नहीं दो सीजन से लिए जा रहा है, फैज ने बहुत सारे रन किए हैं, इन परफॉर्मेंसेस को मिल रहे हैं, इन दे आर बीइंग नोटिस्ड इन परफॉर्मेंसेस के लिए, सो आर यू हैप्पी विद दिस? या एक्चुअली पंकज जी एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ऐसा भी हो रहा था कि सिर्फ आईपीएल परफॉर्मेंसेस पे ही यू नो प्लेयर्स को चुना जा रहा था, जैसे कि अक्षर पटेल का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, बहुत अच्छा आईपीएल राउंड का 2014 में और एकदम से आउट ऑफ नोवेयर वो वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल कर दिए गए थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आईपीएल के अलावा भी यू नो रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, इनके परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी प्लेयरों को लिया जा रहा है, जैसे कि अभी फैज फजल जिन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए लिया गया, तो उनका तो नाम किसी ने सुना भी नहीं हुआ था अब तक, तो इससे दूसरे जैसा परविंदर ने कहा दूसरे प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलेगी कि यू नो चाहे हम आईपीएल में सिलेक्ट नहीं भी हो रहे हैं जो कि एक हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, अगर हम बाकी टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक होते हैं उसमें भी परफॉर्म करें तो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, जो कि आई थिंक आईपीएल से बहुत बढ़के है उसका दर्जा, जो इंटरनेशनल खेलना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट, तो उस लहजे से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और एक उसी रिलेशन में मैं एक सवाल परविंदर से करना चाहूंगा कि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जैसे शार्दुल ठाकुर का ही मैं एग्जांपल दूं, तो उन्होंने ट्वीट भी किया था कि थोड़ा कई बार मतलब ठीक है आईपीएल की टीम में उन्हें किंग्स इलेवन में उन्हें लिया और इस बार कोई मौका नहीं मिला, लेकिन उनको 14 मैचों में थोड़ी उन्होंने अपनी निराशा जताई भी थी ट्विटर पे ट्वीट करके, तो मैं परविंदर से पूछूंगा कि कैसा लगता है कि जब आप टीम में तो हो, उस स्क्वाड में हो, ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन खेलने को नहीं मिलता, जब आपका अंदर से पूरी इच्छा हो रही है खेलूं मैं परफॉर्म कर देके दिखाऊं पर टीम में जगह नहीं बनती, तो कैसा फील होता है? फील तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक में आप अच्छा करके जाते हो और आपको वहां पर ऊपर जाके मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विकेट लूं और मैं किसी टीम आईपीएल से जुड़ूं, क्योंकि बीसीसीआई का टूर्नामेंट है, रणजी ट्रॉफी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें आप विकेट ले रहे हो बहुत ज्यादा और फिर आप टीम में चुना जाते हो आईपीएल में, तो हर कोई चाहता है कि मैं भी अपनी फ्रेंचाइजी को जो मैं परफॉर्मेंस पीछे करके आया हूँ वो मैं अपनी फ्रेंचाइजी को अपनी बॉल डाल के मैच जिताऊँ, तो यही होगा शार्दुल का कि भाई मेरे को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने मुंबई के लिए काफी मैच जिताए हैं अपने डोमेस्टिक में खेलते हुए, कि और मेरे को चांस मिले तो मैं भी अपनी बॉलिंग के द्वारा पंजाब को मैच जिताऊँ। हर बॉलर का रहता है कि अगर वो परफॉर्म करके आ रहा है पीछे और उसे चांस ना मिले तो थोड़ा बहुत तो निराश होता है, बंदा टूटता है जरूर थोड़ा बहुत लगता है। देखो थैंकफुली शार्दुल को तो रिवॉर्ड मिल गया है, यू नो इंडियन टीम में उनको चांस शायद वहां पे भी मिले खेलने को, वेस्ट इंडीज में 4 टेस्ट मैच है, तो लेकिन जैसे शार्दुल को तो चलो इंडियन टीम में मिल गया चांस, पर कुछ ऐसे भी अनफॉर्चुनेट प्लेयर होते हैं जिन्हें इंडियन टीम तक नहीं पहुंच पाते,
पर टैलेंट होते हुए आईपीएल में सिलेक्शन हो जाता है पर वहां पे भी कॉम्बिनेशन की वजह से उन्हें चांस नहीं मिल पाता कभी कभी, यू नो, कोच को लगता है, मैनेजमेंट को लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो रहे हैं वो, तो ऐसे प्लेयर्स को मतलब या तो उन्हें खुद उन्हें मतलब फ्रीडम हो कि वो फ्रेंचाइजी चेंज कर सके, इसका कुछ आपको क्या लगता है क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? नहीं है, इसमें भी है, अगर प्लेयर चाहे तो छोड़ सकता है या फ्रेंचाइजी चाहे तो छोड़ सकती है प्लेयरों को भी, अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है कोच के साथ या मैनेजमेंट जो भी टीम का देखता है, अगर वो चाहे तो प्लेयर को छोड़ सकता है कि भी हमारी टीम में जगह नहीं बन रही है तो हम आपको रिलीज कर रहे हैं, तो प्लेयर और ऑनर जो भी टीम का मैनेजमेंट है उससे बात करके वो बात कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। बात तो सही है कि काफी फ्रस्ट्रेशन होती होगी, इतनी मेहनत पूरे साल में करके रिवॉर्ड मिलता है, आपको चुना जाता है लेकिन अपना एबिलिटी दिखाने का मौका नहीं मिलता, तो निराशा तो होती होगी, तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट प्रविंदर। बट मेरा एक यू नो, इस कॉन्वर्सेशन को सुन के मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे प्रविंदर, कैसा लगता है आपको जब आप फैंस से बात करते हो जो जिनको समझ ना सिर्फ एक आईपीएल जैसे बड़े गेम की है बट जो डोमेस्टिक भी फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी निराशा समझ रहे हैं, जैसे केशव ने बताया शायद वही पेन जताया उन्होंने आपको जो आप शायद महसूस करते हैं, कैसा लगता है जब आप ऐसे फैंस से बात करते हैं जिनको इतनी इतना फॉलो करते हैं आपको कि डोमेस्टिक में भी पूरा देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो फॉलो करता है वो तो बंदा पहचानता ही है कि अगर आप जिम में हो या फिर आप कहीं वर्कआउट स्टेडियम में जा रहे हो तो पूछना भी इस बार क्या हुआ, जैसे मेरे साथ हुआ है कि भाई आईपीएल क्यों नहीं खेल रहे हो, तो बंदा फिर यही बताता है कि मैं तो अपनी तरफ से तैयार हूँ और वो तो उनको ही पता है क्यों नहीं खेला रहे जी। तो उसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते, आप अपना और मेहनत में लगो क्योंकि मेहनत से ही आप किसी के ऊपर अपने ऊपर फोकस ला सकते हो दूसरे बंदे का, या विकेट इतनी निकालो, आप मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रविंदर हमें हमारे साथ ये टाइम देने के लिए, हमारे साथ ये समय बिताने के लिए, बहुत मजा आया हमेशा की तरह आपसे बात करके, आपकी आपका कैंडिडनेस हमेशा आई अप्रिशिएट, आपकी ऑनेस्टी और आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स, सो थैंक यू फॉर दैट टाइम। This is all the time we have today on our show, guys. So let me thank you, Pravinder bhai, on behalf of the Circle of Cricket and TSD family. Hopefully, हम आपसे फिर जुड़ेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही एक और शो में। और अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, guys, I hope कि आपको मजा आया हमारे साथ Pravinder को देख के, हमारी ये बातचीत सुन के, एंड हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारे साथ ही फिर से जुड़े। और जाते जाते एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, guys, please go out there and download Indian Panga League. I know I'm screaming this every time, but what to do? You know, we've put a lot of heart into the game. Please download it and give us your feedback. Send us your reviews and comments on Circle of Cricket on all platforms, wherever you might be. And we hope you enjoy it as you enjoyed the show today. Thank you so much, guys. Have a good evening. Bye-bye. Thank you, Pankaj. Bye. Bye, Pravinder. Take care. Thank you.